वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। ये आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल चैनल जो है तत्पर है आप लोगों के कुशल भविष्य के लिए। हमेशा ये प्रयासरत है कि ये अच्छे से अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाए। इसलिए एक नया इनोवेटिव तरीका लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग का सीरीज शुरू किया गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मास्टर फॉर्मेट। ये क्या है मास्टर फॉर्मेट? इस पर एक वीडियो पहले से बनाया जा चुका है जिसमें मैंने दोनों आवेदन और पत्र लेखन दोनों पे कंपेयर किया था आपस में। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये बिल्कुल अगर आपको प्रिंसिपल के पास लिखना है एप्लीकेशन इंग्लिश में, तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, जो भी नाम हो अपना, मन है तो यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा लिखेंगे। रेस्पेक्टेड सर हो गया, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, ये बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, इतना करना ही है आपको। यहाँ जो है जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको भर देना है। इस चीज़ को दिमाग में रखना आप लोगों को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप लोगों को ये नीला वाला पोर्शन यहाँ से लेके फिर इधर से शुरू यहाँ तक मैं आप लोगों को जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा भर देना। आप लोग इतना याद कर लेना, प्रिंसिपल के पास किसी भी प्रकार का लेटर लिखना, आवेदन लिखना हो, अप्लीकेशन लिखना हो, आप बिल्कुल इतने से कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना कैसे है, कहाँ क्या लिखा जाता है, इसका अगर वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग कि आखिर ये मास्टर फॉर्मेट जो है इसको कैसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो मान लीजिए एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC के लिए अगर मांग आया कि आप TC कैसे मांगिएगा अपने हेड मास्टर से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर TC वो लिखेंगे, क्योंकि भैया आपको या अप्लीकेशन फॉर TC दोनों लिख सकते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ से लीजिएगा इसको, अपने एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे हैं आप लोग, यहाँ से सब्जेक्ट में यहाँ लिख दीजिएगा इसको, रिक्वेस्ट फॉर TC हो गया। उसके बाद अब यहाँ जो आएगा वो आएगा, इतना आपको याद कर लेना होगा, दैट आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई TC एज माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, है ना, हियर एंड आई नीड, जो है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हो गया, ठीक है, है ना, इजी हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को बस केवल याद कर लेना है। हाँ भैया, कि अगर ट्रांसफ़र का आएगा तो यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, बाद बाकी आपका सारा फॉर्मेट हो गया, क्लास रोल नंबर वगैरह वैसा होता ही है, ये आपका कंप्लीट, ओके। एक ये तरीका हुआ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आया राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर और अप्लीकेशन में कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रिंसिपल को जब लिखेंगे या कोई पदाधिकारी को लिखेंगे तो आवेदन ही है, निवेदन कर रहे हैं ना किसी चीज़ का, कुछ मांग कर रहे हैं। तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, यही क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से, नहीं दिख पा रहा हो तो हम यहाँ इसको कर दे रहे हैं, देखिए है ना, ड्यू टू इलनेस। अब क्या करना है, अप्लीकेशन फॉर लीव करेंगे, उस वाले में भी आप रिक्वेस्ट फॉर लीव कर सकते थे, अप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ से इसको कट करके दिमाग में रखना है, अप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट में इसको लगा देना है, हो गया। अब इसकी बारी आई, याद तो किया हुआ है ये फॉर्मेट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कर लेना है, क्या था वो देख लीजिए आप, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास ड्यू टू इलनेस या क्लासेज ड्यू टू इलनेस, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, सर्दी हो गई थी मुझे, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 डे लीव फ्रॉम 11 to 13 November 2018। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ, बस इसको रख देना है अपने दिमाग में, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ग्रांट, बिल्कुल परफेक्ट। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
अच्छा लगता है। बाय आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए।